हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो पर मैंने एक रिचार्जेबल ब्लूटूथ एम्पलीफायर बनाया। इसके साथ आप स्पीकर कनेक्ट करके म्यूजिक सुन सकते हो। इसे आप अपने स्मार्टफोन के चार्जर से ही चार्ज कर सकते हो। मैंने इसे इस वीडियो पर बनाकर दिखाया है, सो लेट्स मेक इट। इसका बॉडी बनाने के लिए मैं पीवीसी शीट का यूज़ कर रहा हूँ। इसका मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर और एक पीस ले लिया। मैंने कंपोनेंट के हिसाब से इस पे कटिंग कर लिया। इस दोनों शीट को मैं कुछ इस प्रकार से फिक्स करूँगा। मैंने यहाँ पर और एक शीट ले लिया, इस पे भी मैंने कटिंग कर लिया, तो चलिए इसे भी हम फिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर छोटा छोटा दो सीट ले लिया, इस दोनों सीट को हम इसके दोनों साइड पर फिक्स करेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इसका बॉडी बन गया है। एट फर्स्ट हमें चाहिए ऑन ऑफ स्विच। मैं यहाँ पर SPST स्विच यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें चाहिए एक ब्लूटूथ मॉड्यूल, ब्लूटूथ, USB, मेमोरी कार्ड और ऑक्स। इन सारे से आप म्यूजिक को प्ले कर सकते हो। और फ्रेंड्स, ये रहा इसका 5 वोल्ट का कनेक्टर वायर। इस वायर को मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा। ये इसका लेफ्ट राइट ग्राउंड का वायर, इसे मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें चाहिए 100K डुअल चैनल पोटेंशियोमीटर। डुअल चैनल पोटेंशियोमीटर में 6 पिन होता है, आप यहाँ पर डुअल चैनल का ही यूज़ करना। उसके बाद फ्रेंड्स, इस कंपोनेंट को हम इसमें फिक्स करेंगे। इस मॉड्यूल को फिक्स करने के लिए मैं स्क्रू का यूज कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें चाहिए फैम 8403 मॉड्यूल। ये रहा इसका 5 वोल्ट इनपुट का कनेक्शन। ये है लेफ्ट राइट और ग्राउंड। ये है लेफ्ट और राइट का स्पीकर का कनेक्शन। मॉड्यूल का लेफ्ट और राइट को हम पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट दोनों लेग पर सोल्डिंग करेंगे। लेफ्ट राइट को मैंने पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। मिडिल में है इसका ग्राउंड। इस ग्राउंड का पिन को हम पोटेंशियोमीटर के ऊपर का दोनों पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। लेफ्ट राइट ग्राउंड को मैंने पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ब्लूटूथ मॉड्यूल को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ब्लूटूथ मॉड्यूल का लेफ्ट और राइट का वायर को हम पोटेंशियोमीटर के मिडिल के दोनों पिन पर कनेक्ट करेंगे और ग्राउंड का वायर को हम 3rd पिन पर कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने दोनों मॉड्यूल का लेफ्ट राइट ग्राउंड को पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, दोनों मॉड्यूल का 5 वोल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को एक साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद स्पीकर का लेफ्ट और राइट का पिन पे हम वायर को कनेक्ट करेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ये रहा इसका स्पीकर का वायर। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें चाहिए स्पीकर कनेक्टर। इसे हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, इस वायर को हम कनेक्टर के पिन के साथ सोल्डरिंग करेंगे।
देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने स्पीकर का कनेक्शन कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए लिथियम बैटरी। पॉजिटिव वायर को हम बैटरी के पॉजिटिव पिन पर सोल्डरिंग करेंगे और नेगेटिव वायर को बैटरी के नेगेटिव पिन पर। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल, इसमें सारा कनेक्शन प्रिंटेड है। बी पॉजिटिव और नेगेटिव पिन पर बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को सोल्डरिंग करेंगे। आउटपुट का पिन के साथ इस वायर को सोल्डरिंग करेंगे। इस वायर को हम मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करेंगे। बैटरी का नेगेटिव वायर को मैंने मॉड्यूल के नेगेटिव पिन पर कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव वायर को मैंने स्विच के एक पिन पर कनेक्ट कर दिया। स्विच का दूसरा पिन और मॉड्यूल का पॉजिटिव पिन को मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया। कनेक्शन डायग्राम को देखकर भी आप कनेक्शन कर सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पर हम चार्जिंग मॉड्यूल के लिए कटिंग करेंगे। देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया। चार्जिंग मॉड्यूल को मैं यहाँ पर फिक्स करूँगा। यहाँ पर मैंने होल किया था, इस होल में मैं ग्लू भर दूंगा ताकि चार्जिंग होने के टाइम लाइट बाहर की तरफ ग्लो करे। अभी हम बैटरी को यहाँ पर फिक्स करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर पीवीसी पाइप का छोटा छोटा पीस ले लिया, इसे मैं इसका कॉर्नर पे ही फिक्स करूंगा। इस साइड को कवर करने के लिए मैं इस सीट का यूज करूंगा। सीट को फिक्स करने के लिए मैं इसका चारों कॉर्नर पर होल करूंगा। देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर होल कर दिया। अभी मैं इसे स्क्रू की साथ इसे टाइट कर लूंगा। पोटेंशियोमीटर को घुमाने के लिए मैं इस नॉब का यूज करूंगा। देख सकते हो फ्रेंड्स, रिचार्जेबल ब्लूटूथ एम्पलीफायर बनके रेडी हो गया है। इसे आप अपने स्मार्टफोन के चार्जर से ही चार्ज कर सकते हो। देख सकते हो फ्रेंड्स, ये चार्जिंग हो रहा है। मैंने यहाँ पर दो स्पीकर बॉक्स ले लिया। इस स्पीकर का वायर को मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा। तो चलिए अभी इसे हम ऑन करेंगे। ब्लूटूथ मोड, मैंने इसे ब्लूटूथ मोड पे सेट कर दिया। तो चलिए अभी मैं इसे फोन के साथ कनेक्ट करूंगा। देख सकते हो फ्रेंड्स, ये कनेक्ट हो गया है। तो मैं अभी एक म्यूजिक प्ले करूंगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।